हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है ट्रांसफर मार्केट में। फ्लोइड पिंटू ही सुपर कप 2023 में एज अ हेड कोच के तौर पर काम करेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, और आईएसएल सीजन 10 शुरू होने के कुछ महीने पहले ही कोई नया विदेशी कोच देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो खबर है नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट की तरफ से वो ये है कि 21 वर्षीय भारतीय राइट विंगर करण दीक्षित को अपनी टीम में शामिल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। और जैसे कि खबर है कि आने वाला सीजन 10 शुरू होने से पहले ही करण दीक्षित का ट्रायल लिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा करण दीक्षित को लेकर, जैसा कि खबर है। और करण दीक्षित के पास यूक्रेन के किसी क्लब का भी ऑफर है, तो अब देखना यह है कि करण दीक्षित आखिर कौन से क्लब में साइन करते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था कि मुंबई सिटी एफसी के लेफ्ट बैक के खिलाड़ी मंदार राव देसाई को अपनी टीम में साइन करने की कोशिश कर रही है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट। और भी कई सारे मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स हैं जो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के टारगेट लिस्ट में हैं, और सर्जियो लोबेरा भी काफी ज्यादा क्लोज है ईस्ट बंगाल एफसी में साइन करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट खबर आ रहा है कि मंदार राव देसाई के अलावा भी महताब सिंह को भी अपनी टीम में साइन करने की कोशिश कर रही है ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट। और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों उन सारे खिलाड़ियों का नाम कंफर्म नहीं आ पाया है, जिसके कारण मैं आप सभी को नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन महताब सिंह और मंदार राव देसाई का नाम अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है। तो हो सकता है सर्जियो लोबेरा के कारण ही ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट इन सारे खिलाड़ियों को अपनी टीम में टारगेट कर रही है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या ओपिनियन है इन सारी खबरों को लेकर, आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।